Hello students, again I am there with chapter number 5, History, Kingdoms, Kings and an Early Republic, lecture number 1 by Bhavna Kaushik. Today we will start the chapter that is Kingdoms, Kings and an Early Republic, Raj, Raja aur ek Prachin Ganaraj. तो आज हम जो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे वो है किंगडम्स मतलब राज, किंग्स मतलब राजा एंड एन अर्ली रिपब्लिक और एक प्राचीन गणराज्य. व्हाट आर वी गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सो मेनी थिंग्स इन दिस चैप्टर. ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. नाउ यू आर सीइंग अ पिक ऑन योर स्क्रीन्स दैट इज इलेक्शन डे एंड शंकरन वोक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट. They wanted to be the first to reach the polling booth. अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि शंकरन सुबह जब उठा तो उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखा कि वो रेडी हैं और वो कहीं जा रहे हैं. वो कहाँ जा रहे थे? वो वोटिंग के लिए जा रहे थे और बहुत ही खुश थे. शंकरन ने सोचा कि वो लोग इतने खुश क्यों हैं, तो उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने बताया कि आज हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हम अपना खुद का रूलर चूज़ करने जा रहे हैं. आज हम अपना खुद का राजा चूज़ कर सकते हैं आज की डेट में. तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि आज से करीब 2500 साल या 3000 साल पहले उस टाइम पे किस तरीके के किंगडम्स होते थे, उस टाइम पे लोग राजा कैसे बनते थे. यू आर सीइंग अ मैप ऑफ सम किंगडम्स ऑफ हूज वी वर हैविंग द किंग्स. और हम डिस्कस करेंगे एक अर्ली रिपब्लिक के बारे में. यू आर सीइंग अ पिक ऑन योर स्क्रीन्स व्हिच इज शोइंग एन अर्ली रिपब्लिक. यानी कि आज से 2500 या 3000 साल पहले उस टाइम के एक अर्ली रिपब्लिक के बारे में. रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा देश या एक ऐसा राज्य जहाँ राजशाही ना हो, वहां पर राजा का राज ना हो, वहां के आम लोग खुद में से ही कुछ लोगों को चुने और वो लोग देश चलाएंगे या राज्य चलाएंगे. तो इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे. जो पहली पिक आप देख रहे हो उसमें दिखा रहे हैं राजा की राजाशाही लोगों के ऊपर. सेकेंड पिक आप जो देख रहे हो आम लोगों में से ही राजा को चुना जा रहा है. तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि आज से 2500 या 3000 साल पहले ये जो सिस्टम था कि लोग किस तरीके से राजा बन रहे हैं, उस सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए. और इस टॉपिक के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे अश्वमेध यज्ञ के बारे में. और हम डिस्कस करेंगे उस टाइम के में वर्ण सिस्टम किस टाइप का बनाया गया सोसाइटी में, उसमें किस तरीके के चेंजेस आए. और हम जानेंगे जनपदास एंड महाजनपदास के बारे में. और हम जानेंगे एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस आए और टैक्सेशन सिस्टम में क्या चेंजेस आए. और दो महाजनपदास के बारे में जो कि थे मगध और वज्जी. और एल्सवेयर में हम डिस्कस करेंगे रिपब्लिक ऑफ ग्रीस की. ओके, दिस पिक इज शोइंग ऑफ अश्वमेध यज्ञ ऑफ दैट टाइम. Next pick is of the Varna system. You can see another pick is showing of the agriculture, changes in agriculture. The next pick is showing of the taxation system, punch marked coins. तो हमारा पहला टॉपिक है how some men become rulers. आज से 2500-3000 साल पहले लोग कैसे राजा बनते थे. Around 5000 years ago, जना choose their rulers. आज से अगर 5000 साल पहले की बात की जाए तो उस टाइम पे जो जन होते थे वो अपने राजा को चुनते थे. जन यानी के आम लोग, जो जनता है. ठीक है, जन से वर्ड आया जनता. तो आम लोग चुनते थे हमारे अपने राजाओं को. बट अराउंड 3000 years अगो वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजाज वर चोजन. अब ये सिस्टम चला करीब 1000-2000 साल पहले. अब आज से करीब 3000 साल पहले किस तरीके से लोग राजा बन रहे हैं, ये सिस्टम चेंज हुआ. नाउ सम मैन बिकम रूलर्स बाय डिफीटिंग और सब्जुगेटिंग देयर अदर रूलर्स. अभी तक लोग चुनते थे राजा, लेकिन फिर क्या हुआ, अब कुछ लोग राजा बन सकते हैं दूसरे राजाओं को हराकर या दूसरे राजाओं को अपने अधीन करके. सब्जुगेटिंग का मतलब होता है अपने अधीन करना या अपने कंट्रोल में करना. ठीक है, नाउ द पिक विच यू आर सीइंग इट इज ऑफ अ फाइटिंग सीन डिफीटिंग द रूलर्स. नेक्स्ट पिक इज शोइंग कि कैसे अधीन कर रहे हैं दूसरे राजाओं को, कंट्रोल में ले रहे हैं. मान लीजिए
अब हम अगर बात करें डिफीटिंग की, तो अगर एक राजा जो है वो दूसरे राजा पे जब अटैक करेगा, उसको हरा देगा, तो उस राजा का भी जो राज्य है वो उसी राजा का हो जाएगा, नए राजा का। तो यहाँ तो क्या हुआ, उसने उस राजा को डिफीट कर दिया, हरा दिया। अब हम अगर बात करें सब्जुगेटिंग की, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए एक जो राजा है उसने दूसरे राज्य पे अटैक किया, उस राज्य को भी अपने अंडर ले लिया, लेकिन अब वो जो राज्य है उस राज्य को वो उस वो टेरिटरी तो उसके अंडर हो गई, लेकिन वो चाहता है कि जो उस टेरिटरी का राजा है वो राजा ही बना रहे, उस पे वो मतलब वो अपनी टेरिटरी को ध्यान दे, लेकिन जो भी टैक्सेस उस टेरिटरी में आएंगे वो पहले राजा के पास जाएंगे जिसने उसे हराया है, जिसने उसे अपने अधीन किया है। सब्जुगेटिंग का मतलब होता है अधीन करना, अपने कंट्रोल में लेना, ठीक है। और पुराना राजा तो राजा ही रहेगा, लेकिन जो भी टैक्सेस वगैरह रहेंगे वो उस राजा के पास जाएंगे जिसने उस राजा को अपने अधीन किया। तो ये तो मतलब होता है सब्जुगेटिंग। नाउ सम मेन नाउ बिकेम राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। अब कुछ लोग राजास कैसे बनते थे, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करके, बड़े बड़े सैक्रिफाइसेस करके भी राजा बन जाते थे। अब इसमें अगर हम बात करें बड़े सैक्रिफाइसेस का, तो उसमें हमारा आ जाता है अश्वमेध यज्ञ और हॉर्स सैक्रिफाइस, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इन द फर्स्ट पिक्चर यू आर सीइंग दैट द प्रीस्ट दे आर परफॉर्मिंग यज्ञ फॉर राजास, एंड इन द सेकंड पिक्चर यू आर सीइंग दैट द हॉर्स इज रेडी फॉर द अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ या हॉर्स सैक्रिफाइस एक तरीके का रिचुअल हुआ करता था, जिसमें एक घोड़े को, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, जिसमें एक घोड़े को एक राजा जो राजा हुआ करता था उस घोड़े को खुला छोड़ देता था और घूमने के लिए दूसरे स्टेट्स में। जब ये घोड़ा, लेकिन उस घोड़े के साथ राजा के कुछ लोग हुआ करते थे, तो ये घोड़ा एक स्टेट से होकर दूसरे स्टेट में जाया करता था। अब जो दूसरे स्टेट का राजा हुआ करता था वो उस घोड़े को पकड़ा नहीं करता था, क्यों? अगर वो घोड़े को पकड़ लेता तो उसका मतलब है कि उस राजा ने, जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है, उस राजा से उसको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो लड़ाई नहीं लड़ेगा तो फिर उसे उस राजा के मतलब उस राजा के अंडर अपने आप को सरेंडर करना पड़ेगा, और वो उस टेरिटरी का राजा तो रहेगा लेकिन उसे अपनी सारी बातें जो भी है, कंट्रोल वगैरह या जो टैक्सेस वगैरह है, उस महाराजा को जिसने घोड़ा छोड़ा है उसको देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होता था अश्वमेध। बाद में जब ये अश्वमेध यज्ञ हो जाता था तो फिर क्या होता था, जो मेन राजा था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया है, वो एक तरीके से एक प्रीस्टों के द्वारा, पुजारियों के द्वारा एक पूजा रखता था, एक यज्ञ रखता था, जिसमें जो जो राजा थे जिन्होंने ये माना था, जिन्होंने सरेंडर किया था मेन राजा के अंडर, उन राजाओं को बुलाया जाता था और एक सैक्रिफाइस किया जाता था, ठीक है। तो दैट वाज लाइक अश्वमेध यज्ञ। एक और एग्जांपल दूंगी मैं आपको अश्वमेध यज्ञ का। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में जहाँ पे श्री राम जी ने अपना घोड़ा छोड़ा हुआ होता है और वो जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, और जहाँ पर उनके खुद के बेटे, उनके लव कुश जो दो बेटे होते हैं, उन्होंने वो घोड़ा पकड़ लिया होता है। नाउ द राजा हु ऑर्गेनाइज द सैक्रिफाइस वॉज रिकग्नाइज एज मोस्ट पावरफुल। अब जो राजा जिसने ये सैक्रिफाइस, हॉर्स सैक्रिफाइस या अश्वमेध यज्ञ कराया होता है, उसको बहुत ही ताकतवर मानते हैं। एंड ऑल अदर राजाज बॉट गिफ्ट फॉर हिम। अब वो सारे राजा जो जिन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया था कि ये जो राजा है जिसने हॉर्स सैक्रिफाइस कराया, ये हमारा मेन राजा है या महाराजा है, वो उनके लिए गिफ्ट लाते हैं। He was a central figure in these rituals. अब कौन था सेंट्रल फिगर, जो हमारा महाराजा था जिसने ये अश्वमेध यज्ञ कराया था। He was a central figure. वो एक सेंट्रल फिगर होता है, वही सारे यज्ञ कराता है। In these rituals, he sat on a special throne. अब वो एक स्पेशल थ्रोन पे बैठते हैं, जिसे हम राजगद्दी कहते हैं, सिंहासन कहते हैं। And his charioteer chanted tales of glory. और उसके जो charioteer होता है, chariot का मतलब होता है रथ, charioteer का मतलब होता है जो रथ चलाता है। तो जो राजा का जो रथ चलाता है, जो सारथी होता है, वो राजा के, चैंटेड का मतलब गुणगान गाना, राजा के गुणगान गाता है एट द टाइम्स ऑफ द बैटल फील्ड, जो उसने देखा है लड़ाई के टाइम के राजा कितना ताकतवर है, उसके गुणगान गाता है, चैंटेड टेल्स ऑफ ग्लोरी, ओके। अब हम बात करें द अदर राजाज वर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैव टू सिट एंड वॉच द रिचुअल। अब जो दूसरे राजा थे वो सिर्फ एक स्पेक्टेटर्स थे, एक दर्शक थे, जो सिर्फ बैठ के और जो राजा ये रिचुअल्स वगैरह कराते थे उनको देखते थे। द ऑर्डिनरी पीपल द विश और द वैश्य ऑल्सो बॉट गिफ्ट्स।
अब ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे उन्हें विश या वैश्य कहते थे जो उनके लिए गिफ्ट्स लाते थे। हाउएवर सम पीपल सच एज दोज हु वर रिगार्डेड एज शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। अब जो लोअर कास्ट के पीपल थे जिन्हें हम शूद्रस कहते थे या शूद्रास कहते थे, वो बाय द प्रीस्ट, वो प्रीस्ट उन लोगों को आने नहीं देते थे क्योंकि वो लोअर कास्ट माने जाते थे। हमने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था कास्ट सिस्टम चैप्टर, तो उसमें हमने फोर कास्ट पढ़ी थी। द फर्स्ट कास्ट वॉज अ ब्राह्मण या द प्रीस्ट जो ये रिचुअल्स परफॉर्म कराते हैं। सेकेंड कास्ट वॉज द क्षत्रियास, द थर्ड वर द वैश्यस एंड द फोर्थ वॉज द शूद्रास। ओके, तो ये जो शूद्रास थे हमारे अनटचेबल्स माने जाते थे, इनको हम लोअर कास्ट पीपल मानते थे, इसलिए इनको किसी भी तरीके के रिचुअल्स में आने की इजाजत नहीं थी। नाउ एज राजा इज द सेंट्रल फिगर सो इज परफॉर्मिंग यज्ञ ओवर हियर। इन द नेक्स्ट पिक्चर अगेन द अश्वमेध यज्ञ इज बीइंग परफॉर्म्ड एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी द थ्रोन ऑफ द राजा एंड नेक्स्ट पिक्चर शोइंग द चैरिटियर द चैरियट विद द राजा। Other picture is showing you about the Vish or Vaishya, the common people. And this picture is showing about the Shudra, the lower caste people. अब हम बात करते हैं वर्णास की। The last three Vedas, Samved, Yajurved and Atharved were written in this period by the Brahmin priest. अब जो last three Vedas थे हमारे, जो Samved, Yajurved and Atharved, ये तीनों वेदास इस पीरियड में लिखे गए। किसने लिखे? बाय द ब्राह्मण प्रीस्ट। सो दे वर कॉल्ड लेटर वेदिक। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? लेटर वेदिक पीरियड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मेनी प्रोफेशंस वर प्रैक्टिस्ड एट दैट टाइम। प्रीस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स, फिशरमैन, फॉरेस्ट पीपल, फिशिंग पीपल, बरियल पीपल एक्सेट्रा। अभी उस टाइम काफी तरीके के प्रोफेशंस भी प्रैक्टिस किए जाते थे। कैसे? प्रीस्ट जो कि हमारे रिचुअल्स परफॉर्म कराते थे, धार्मिक अनुष्ठान परफॉर्म कराते थे, पुजारी, वॉरियर्स, क्षत्रिया क्लास जो लड़ाई लड़ने जाते थे, फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब जो सामान को बेचना खरीदना देखते थे, क्राफ्ट्समैन, लेबरर्स, फिशरमैन, इस तरीके काफी सारे लोग थे, काफी तरीके के प्रोफेशंस हुआ करते थे जो लोग उस टाइम प्रैक्टिस किया करते थे। अब उस टाइम प्रीस्ट लोगों ने कुछ तरीके के रूल्स बना रखे थे, उन्होंने सोसाइटी को उनके पेशों के अकॉर्डिंग डिवाइड कर रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके के प्रोफेशंस हुआ करते थे, प्रीस्ट, वॉरियर्स, फार्मर्स, हर्डर्स, हर्डर्स मतलब जो लोग झुंड में जानवर पालते हैं, ट्रेडर्स, क्राफ्ट्समैन, क्राफ्ट्समैन में जैसे कुछ लोग जैसे जो जूते बनाते हैं या जो मूर्ति बनाते हैं इस तरीके के लोग क्राफ्ट्समैन में आते हैं, लेबरर्स, फिशरमैन, फॉरेस्ट पीपल जैसे कि मैंने भी आपको बताया, बरियल पीपल जो कि जो जानवर मर जाते थे उनको जाके दफनाते थे, या क्रिमेशन करना जैसे जो लोग मर जाते हैं उनको शमशान घाट पहुंचाना। तो इस तरीके के पेशों के में जो प्रीस्ट लोग होते थे उन्होंने डिवाइड कर रखी थी सोसाइटी को, उनके पेशों को, उनके प्रोफेशंस को। कि मैंने आपको कहा कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे, सुपीरियर क्लास हुआ करते थे, जिनका काम होता था पढ़ना, ज्ञान लेना, उसके बाद में दूसरों को ज्ञान देना। अभी जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये जितने भी कास्ट होते थे इनका काम होता था ब्राह्मण्स की सेवा करना। क्षत्रिय फाइट बैटल्स करते थे, वैश्य जो होते थे वो ट्रेडर्स थे, फार्मर्स थे। अभी फार्मर्स तो थे लेकिन ये अपने खुद की जमीन पे फार्मिंग नहीं करते थे, ये किससे करवाते थे? ये शूद्र से करवाते थे। ठीक है, हु हैड, अब शूद्र जो थे ये तीनों क्लासेस को सर्व करता था, जो शूद्र थे था वो तीनों क्लासेस की सेवा करता था। ठीक है, देवर लाइक क्राफ्ट्समैन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और धीरे धीरे उनको हमने अनटचेबल्स बुलाना स्टार्ट कर दिया। किनको? शूद्र को, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था। एज वी वर टॉकिंग अबाउट द क्लास, ब्राह्मण्स सुपीरियर क्लास, क्षत्रियास द सेकेंड क्लास हु गो फॉर बैटल्स, विश और वैश्य द कॉमन पीपल द थर्ड क्लास, and the lower caste shudra who was a craftsman who used to perform all these jobs. ab hum agar baat kare women's ki to women's were also later on not allowed to study vedas, women's ko vedas padhna allowed nahi the, and they were also treated like shudra, women's ko bhi aise treat kiya jata tha jaise hum shudra ko treat karte. they too were considered to have the duty to serve their husbands and families, unka sirf itna manna tha ki unka kaam hai अपना घर देखना और अपने पतियों की सेवा करना। होप दैट द चैप्टर इज क्लियर। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रीड द चैप्टर वंस अगेन। थैंक यू।